के 10% लोग जो शोषक लोग थे वो आज भी जिंदा है, आज भी शासन सत्ता पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग सीधा तीर नहीं चला रहे, कुछ लोग शिखंडी को आगे रख के तीर चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पिछला चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दौर खींचा जा रहा है नागपुर से, तो 10% लोग नागपुर में बैठे हुए हैं आज के 10%। पिछले सैनिकों का कट ऑफ मार्क्स सामान्य के कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि वो हमसे बुलवाना चाहते हैं कि आरक्षण अब हमें नहीं चाहिए, यही तो चाहते थे लोग। आज यह एक विशेष अवसर है जो 100 वर्षों बाद आ रहा है। शताब्दी वर्ष मतलब 100 वर्ष पूरे होने के बाद हमारी पार्टी के कई माननीय विधायक गण यहाँ उपस्थित हैं, जो मंच पर हैं, मंच के नीचे भी हैं। मैं उनका बराबर का सम्मान करता हूँ और उन सब लोगों का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ। जब देव बाबू ने कुछ वर्षों पहले जो बिहार की धरती पर संदेश दिया, वह संदेश कोई छोटा मोटा संदेश नहीं था, लेकिन जो संदर्भ था, जो समय था, वो सभी महत्वपूर्ण नहीं था। हमारे लोग सोए हुए थे, हमारे लोग जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी वो निद्रा में थे, और जिनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा रही थी वो अलर्ट मोड में थे। अलर्ट मोड वालों ने काम को अंजाम दे दिया। आज हमारे लोग जगे हुए हैं, जगदेव के लोग जगे हुए हैं। आलोक मेहता वही बोल रहा है जो जगदेव बाबू ने बोला था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे एक आम आदमी, देश के सामान्य नागरिक, एक अच्छे नागरिक को कोई किसी तरह की तकलीफ। लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। जब मिर्ची लग गई तो समझ जाइए कि जगदेव बाबू के 10% लोग जो शोषक लोग थे वो आज भी जिंदा है, आज भी शासन सत्ता पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग सीधा तीर नहीं चला रहे, कुछ लोग शिखंडी को आगे रख के तीर चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पिछला चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दौर खींचा जा रहा है नागपुर से, तो 10% लोग नागपुर में बैठे हुए हैं आज के 10%। जब देव बाबा जी होते तो उस 10% की परिभाषा नागपुर वालों को देते और वो सीधा प्रहार नहीं कर रहे, वो अप्रत्यक्ष प्रहार कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने ठीक कहा कि पहले गोली से वोट लेने की कोशिश होती थी, आज का समय बदल गया, पैसे की ताकत, नोट से वोट लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम साथियों आपको बताना चाहते हैं कि नोट और गोली से भी ज्यादा तेज मारक क्षमता वोट की होती है, जो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। गांव के अंतिम छोर तक संदेश को पहुंचा दो कि जगदेव बाबू ने क्या कहा था, और आज का संदर्भ उस 90% वोट को एकत्रित करने का है। यदि उस बुलेट को आप एकत्रित कर लिए तो आने वाला 2024 और 2025 ही नहीं, आने वाले 50 साल और 100 साल का इतिहास आपका होगा, वो उनका नहीं होगा। जो लोग कृत्रिम ढंग से इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कहते हैं कि 50 साल राज करेंगे, वो बोलते हैं, कभी कभी बुलाया जाता है उनसे, कैसे करेंगे? इसी तरह से करेंगे, चुनाव समाप्त हो जाए, प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी पर हमला हो रहा है, धीरे धीरे उनके तमाम कल्याणकारी जो तत्व है उनको समाप्त किया जा रहा है, आरक्षण आपका समाप्त हो रहा है, पिछड़े और दलितों के आरक्षण का कट ऑफ मार्क्स समान के कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जा रहा है। क्या बतलाता है जो मोहन भागवत ने बिहार के अंदर चुनाव के पहले बोला था? वह बोला था तो लालू प्रसाद जी ने, हमारे नेता ने बताया था कि ये आरक्षण समाप्त करना चाहता है। जो लोग अलर्ट हुए, बिहार के लोग अलर्ट हुए और 2015 में उनको भारी पटकनी देने का काम किया, उसके बाद वो लोग सतर्क, अब वो बोलते नहीं है, करते हैं और करके दिखा रहे हैं। इसका नतीजा है कि पिछड़े दलितों का कट ऑफ मार्क्स सामान्य के कट ऑफ मार्क्स से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि वो हमसे बुलवाना चाहते हैं कि आरक्षण अब हमें नहीं चाहिए,
यही तो चाहते थे लोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में उस समय भी वही लड़ाई लड़ी थी जो जिस विषय को आज लोग खेल रहे हैं। उस समय भी आरक्षण का प्रावधान संविधान में विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत दिया गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर पेरियार और जितने भी हमारे महात्मा फूले जो उस जमाने के थे, तमाम लोगों की लड़ाई की यही थी। और बिहार की धरती पर आजादी के पहले अंग्रेज शोषक हुआ करते थे और देश के लोगों का शोषण करते थे, लेकिन जब आजादी गई, आजादी जब मिली, तो अंग्रेजों ने शोषण की सत्ता जगदेव बाबू के द्वारा परिभाषित 10% लोगों के हाथों में सौंपा और वो शोषण भी करने लगे और धन धरती और दौलत की का भी मुल्कियत उनके पास मिल गया। आज समाज जगदेव बाबू की शहादत के बाद माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने उसका बीड़ा उठाया। जगदेव बाबू बोलते थे कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। पहली पीढ़ी जगदेव बाबू शहीद हो गए और उनको शहीद कर लिया गया और दूसरी पीढ़ी जिन्होंने बीड़ा उठाया लालू प्रसाद यादव जी ने, उनको अपने राजनीतिक जीवन का आधा समय जेल में काटने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें खुद किया गया। उसी ताकत को जो जगदेव बाबू 190 बोलते थे, लालू जी बोलते थे मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सुअर चराने वालों, चूहा पकड़ने वालों, सब्जी उगाने वालों, भेड़ चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। ये क्या था? ये समाज के उसी 90% लोगों का आह्वान था जिसकी बात जगदेव बाबू करते थे और उनको जेल, अपने जीवन के आधे काल तक जेल किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया गया। आज जब शासन करने का वक्त है तो उनकी हिमाकत में लेकर सीधे सामने आ गए तो कभी तेजस्वी प्रसाद यादव पर केस, कोई आधार नहीं लेकिन केस है। धमकी कब ईडी और सीबीआई का छपा, लोक नेता थाना के यहाँ जो जो बोल रहा है सबके यहाँ पढ़ाया जाए, इसकी तैयारी हो रही है। जनता यदि एकजुट हो, आपका वोट यदि एकजुट हो, तो सबके ये सारे जो साजिश से सबका सत्यानाश किया जा सकता है और आपको इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। मैंने कहा भागलपुर में मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने जो भी कहा वो जगदेव बाबू कहते थे और मैंने जो भी समझा, आज समझदारी का समय है। जगदेव बाबू 190 की बात करते थे और उस समय हमारे लोग आज भी चारों तरफ किसी न किसी कुनबे में जगदेव बाबू की जयंती मनाते हैं। साथियों, जगदेव बाबू ने 190 की बात की थी, सिर्फ कुशवाहा की बात नहीं की थी। इसलिए एक संदेश है कि समाज के विभिन्न लोगों के साथ आपका एक अच्छा संबंध होना चाहिए, एक यूनियन होना चाहिए, एक एकजुटता होनी चाहिए, सॉलिडरिटी होनी चाहिए, तब आप उस 10% को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 10% के पास दिमाग ज्यादा है, हाथ कम हो सकता है लेकिन दिमाग ज्यादा है। आपको दिमाग वालों से भी लड़ना है तो पूरी तरह से सतर्क होकर लड़ना होगा। जगदेव बाबू ने कभी नहीं कहा कि कुशवाहा का रोज मीटिंग कीजिए, उन्होंने कहा कि सभी समाज के अंतिम पंक्ति के लोग एकजुट होकर एक सॉलिडरिटी के साथ लड़ाई लड़े। हम कुशवाहा साथियों को इसलिए बुलाना चाहते हैं कि समाज के लोगों ने जिन लोगों को नेता बनाया, जिन लोगों को से अपेक्षा की, जिन लोगों से उम्मीदें की, उनके पैर में चक्के लगे हुए। स्वार्थ बस कोई आज इस दल में, कल उस दल में, परसों उस दल में, परसों किसी और दल में, अब अंत में निर्दलीय, ये क्या लड़ाई है? ये कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ स्वार्थ की लड़ाई है। वो चाहते हैं कि समाज के लोगों का मुठरी बांधकर पीठ पर लेकर अब पेटिया में जाकर बेच दें, कौन हमको ज्यादा देगा उसको हम सौंप दें। इस चीज से आपको सतर्क होने की जरूरत होगी, सतर्क होने की। ये कोई जनहित के मुद्दे पर लड़ाई नहीं हो रही है और मीडिया आपके साथ नहीं है। इतने महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं बिहार में, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से गरीब परख कार्य हो रहे हैं। खुद मैंने अपने विभाग में घोषणा की है सरकार की ओर से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश जी के से विमर्श करके कि इस साल के अंत तक बिहार में कोई ऐसा गरीब नहीं बचेगा जिसको घर बनाने की भी जमीन नहीं हो, 100% लोगों को तक जमीन दिया जाएगा और इस तरह के तमाम कार्यक्रम सरकार के द्वारा घोषित किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग ये बात
मीडिया के डिस्कशन का मुद्दा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? इसलिए आपके सारे तंत्रों पर एक अधिकार हो गया है, आधिपत्य हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर कब्जा हो गया है और एक खास वर्ग मीडिया जो है वह आपके तमाम योजनाओं को, आपके विचारों को समेट कर रखना चाहता है, सरकार जो कर रही है आप तक नहीं पहुंचाना चाहता। वो दिखाना चाहते हैं वही जो दिखाना चाहते हैं, वो दिखाते नहीं है जो दिखाना चाहते हैं। आज वो मैं अपने बड़े भाई जो रोज हिस्सेदारी मांग रहे हैं, आपने समाज को हमेशा खाना बदोश बना के रखा, आपने कहीं घर बनने ही नहीं दिया। किसी दर्द के साथ समाज का यदि विश्वास बनेगा तभी आपको हक और हिस्सा मिलेगा। समाज आप कितने दर्द बदले और तमाम नेताओं के बारे में हम कह रहे हैं तो लोग दल बदल रहे, समाज के लोगों का सीधा विश्वास दल के साथ होना चाहिए और तब दल भी उस पर विश्वास करके। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कहीं विश्वास बनने नहीं दिया। खाना बदोश की तरह टेंट गाड़, आज टेंट गाड़ लिया इस दल में, कल टेंट गाड़ लिया उधर, तो परसों किसी और की तरफ, घर अपने कहा बनाया जो हिस्सा मांग रहे हैं। आलोक मेहता घर बनने ही नहीं दिया। आलोक मेहता घर बनाइए। आलोक मेहता ने बिहार के सबसे बड़े दल में आपका विश्वास जमा कर रखा है और मैं के साथ ही मैंने लालू प्रसाद जी के सबसे बुरे दिनों में और सबसे अच्छे दिनों में हमेशा साथ रहा। आपके लिए हमें भी ऑफर था कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन जाओ, बिहार में उप मुख्यमंत्री बन जाओ, हमने सब ठुकरा दिया और मैं खूंटा डाल के आपके बदौलत आपके विश्वास को स्थापित करने के लिए मैंने एक दल को संभाल के रखा है और आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आप अपनी ताकत को समेट के हमारे पास, आज अपनी ताकत को समेट कर हमारे पास दीजिए। मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं आप हमारे कहने पर एकजुट होइए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ पूरे बिहार से लोग जुड़े। मैं आपको वादा करता हूं जितना टिकट मिला होगा उसका दुगना टिकट का मिला होगा। मैं सचेत करना चाहता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने इस एकता में खलल डालने के लिए रोज मीडिया का सहारा लेकर और उन दलों का सहारा लेकर जिन दलों में जगदेव वालों के असली हत्यारे बैठे हुए हैं, उन लोगों का सहारा लेकर और उनकी कठपुतली भरकर और समाज को धोखा देने का काम करते हैं और रोज समाज को यहां से वहां ले जाने। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जितना राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा समाज को दिया उतना आज तक किसी दल ने नहीं दिया। अब नीतीश कुमार हटने दिया, राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार 19 टिकट कुशवाहा समाज को बिहार में दिया था और जीतने वाले 16 थे और मंत्री कितने को बनाया, 12 लोगों को मंत्री बनाया बिहार का। इतिहास नहीं है कि किसी दूसरे दल ने इतना बनाया। और उसके बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में बीडीओ सीओ डीएसपी बने, वो भी लालू जी ने बनाया। बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का मेंबर, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में प्रोफेसर बने, कंसर्ट कॉलेज में प्रोफेसर बने, वो भी लालू प्रसाद जी का बनाया हुआ है। बिहार का पहला वाइस चांसलर लालू प्रसाद जी के द्वारा बनाया गया है, रामेश्वर प्रसाद को जो छपरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में भी तीन वाइस चांसलर पहली बार पिछड़े समाज का लालू प्रसाद जी के मदद से आलोक मेहता ने बनाया, आपके बेटे ने बनाया। अब ये तमाम बातें खाली चली जाएगी हमारे इस इतिहास पर तरह तरह के प्रलोभनों से पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। हमको और आपको सतर्क होना होगा। पांच सौ वर्षों की के इतिहास अकबर और बाबर पर राजनीति कर रहे हैं और ये जगदेव बाबू का तो 50 साल पुराना इतिहास है, इसी धरती का इतिहास है और ये लोग चुनौती देते हैं, धमकी देते हैं। मैं चुनौती देता हूं, मेरी मादा है तो आकर फरियाद लगाने आने वाले चुनाव में आलोक मेहता तेजस्वी यादव दोनों के हाथ बने हुए हैं एक साथ और तुम दोनों का दिखाना दिया तो मेरा नाम, मैं जगदेव का बेटा नहीं, मैं संघर्ष का था और संघर्ष का बेटा। इसलिए साथियों,
हम लोग इस अवसर पर आज डीएन मंडल साहब जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे उनको भी हम श्रद्धांजलि देने से चूक नहीं सकते। उनका भी बहुत बड़ा योगदान समाजवादी राजनीति में रही है और हमारे पूर्वज हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देने का काम किया, उतना बड़ा योगदान इस क्षेत्र में इस देश में सबसे बड़ा योगदान अम्बेडकर साहब का है। और उसी के साथ पेरियार साहब जिन्होंने जमीन पर लड़ाई लड़ी, जिन्होंने तमिलनाडु का नक्शा बदल दिया और सामाजिक न्याय आज भी उसका परचम फहराता है। इसी तरह से जो हमारे पूर्वज जननायक कर्पूरी ठाकुर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मधुली में बीपी सिंह जी जिन्होंने मंडल आयोग को लागू किया और तमाम वैसे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सक रहा हूँ उनके प्रति इस अवसर पर जगदेव बाबू के साथ साथ उन लोगों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस अवसर पर आप तमाम बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी साथियों का, सभी माताओं बहनों का, सभी नौजवान दोस्त बुजुर्ग अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बातों को हम विराम देते हैं। और इसके साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।